गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। जैसा कि कल हमने आपको वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.4 की प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 बताया था, आज हम प्रॉब्लम नंबर 6-7 पे आ जाएंगे। लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज a1i + a2j + a3k b1i + b2j + b3k c1i + c2j + c3k। देन शो डैट वेक्टर ए इंटू ब्रेकेट में वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। देखिए यहाँ पे बी प्लस सी यानी बी का है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के प्लस सी का सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के, दोनों को ऐड करेंगे तो बी वन प्लस सी वन आई प्लस बी टू प्लस सी टू जे प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री के। LHS A into B plus C is equal to I J K A1 A2 A3 A का हुआ B plus C का क्या होगा B1 plus C1 B2 plus C2 B3 plus C3 मल्टीप्लाई करेंगे, I को L की शेप में बंद करेंगे, A2 B3 plus C3 minus A3 B2 plus C2 I माइनस ए वन बी थ्री प्लस सी थ्री माइनस ए थ्री बी वन प्लस सी वन जे प्लस ए वन बी टू प्लस सी टू माइनस ए टू बी वन प्लस सी वन के इज इक्वल टू ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू आई माइनस ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन प्लस ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री सी वन जे प्लस a1 b2 - a2 b1 + a1 c2 + a2 c1 k। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी, यानी LHS की वैल्यू ये हमने निकाल लिया। अब RHS में आ जाएंगे a into b + a into c i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये a into b की वैल्यू हो गई प्लस a into c के i j k a1 a2 a3 c1 c2 c3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a2 b3 - a3 b1 i - a1 b3 - a2 b1 j प्लस a1 b2 - a2 b1 k प्लस a2 c3 - a3 c2 i - a1 c3 - a3 c1 j प्लस a1 c2 + a2 c1 k। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए वेक्टर ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही प्रूव करना। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ आइदर ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स टू जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 ए इनटू बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी sin थीटा पे वेक्टर n वेयर थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी यानी 0 इंटू वेक्टर बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ठीक इसी तरह से वेन वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 यानी ए वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i + a2j + a3k और वेक्टर बी पी a1i + b a2j + b3k। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल सो थीटा इज इक्वल टू 0 अगर ए और बी पैरेलल होगा तो थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। मॉड वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 मॉड वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0 ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी साइन थीटा वेक्टर एन इज इक्वल टू 0 दस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 इवन व्हेन वेक्टर मॉड वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 मॉड वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तब।